हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, बेहद अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम इस छोटे से वीडियो में क्लास टेंथ की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन नंबर 1 अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी की समरी को पढ़ेंगे। क्लियर? बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसके राइटर हैं मिस्टर जेम्स हैरियट, और इंटरेस्टिंगली ये खुद एक डॉक्टर हैं, एक वेटनरी डॉक्टर हैं, और उनकी ज़्यादातर कहानियाँ उनके खुद के एक्सपीरियंसेस के बारे में हैं, जिनमें उन्होंने कई पेट्स का जो ट्रीटमेंट किया है वो किस तरह किया है, उससे क्या उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, यही उनकी कहानियाँ होती हैं। तो आज इस कहानी में हम देखेंगे अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी में एक डॉग है जो इस कहानी का सेंट्रल कैरेक्टर है, इसका हीरो भी कह सकते हैं। इसका नाम है ट्रिकी, और उसकी जो मालकिन है मिसेज पम्फ्रे, जो बहुत उसका ध्यान रखती हैं, शायद ज़रूर से ज़्यादा ध्यान रखती हैं, उसे हर वक्त कुछ ना कुछ खिलाती रहती हैं, उसे हॉर्लिक्स, केक्स, बिस्किट्स, मीट, एग्स, इवन वाइन भी उसे देती हैं। तो इतने मज़े से वो डॉग रह रहा है, और आज मैडम को लगता है कि डॉग बीमार है क्योंकि वो ओवर ईटिंग की वजह से बहुत डल हो गया है, उसकी सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। इस वजह से ना तो उसे कुछ खाने में दिलचस्पी है, उसे वॉमिट हो रहा है, और ना ही उसे कहीं बाहर जाके खेलने में दिलचस्पी है, इवन वो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटीज़ दौड़ भाग की नहीं कर पा रहा। जब ये बात वो इस कहानी के राइटर को बताती हैं, जो कहानी के नरेटर भी हैं मिस्टर हैरियट, बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, तो वो उस डॉग को देखते ही पहचान लेते हैं, जो देखने में एक मांस का लोथड़ा लग रहा है, ढीला ढाला सा, ढुलमुल सा, गोलू मोलू, एक टैडी की तरह, यू नो, क्यूट सा टैडी। तो वो उनसे कहते हैं, ठीक है, मैं इसको इलाज कर दूंगा, आप इस एक रात के लिए मुझे मेरे पास छोड़ दीजिए। मैडम को ये बात बहुत बहुत ही बड़ी लगती है, क्योंकि उन्हें लगता नहीं कि वो डॉग उनके बगैर एक रात रह पाएगा। फिर भी उसके इलाज की वजह से, उसकी सर्जरी की वजह से वो उनके साथ भेज देती हैं। एक कंबल में लपेट कर, गाड़ी में रखकर, जैसे ही वो डॉग, इसका नाम ट्रिकी है, वो डॉक्टर साहब के पास क्लिनिक तक जाता है सर्जरी के लिए, डॉक्टर साहब उसकी कोई सर्जरी नहीं कर रहे हैं, वहाँ और भी डॉग डॉग्स होते हैं, वो उनके पास ले जाते हैं, वो घुलना मिलना नहीं चाहता उनसे। डॉक्टर साहब सबसे पहला काम, उसे खाना नहीं देते, उसे बहुत ही सिंपल वाटर पिलाते हैं या बहुत ही लाइट फूड रात में देते हैं। इस तरह से उसका डाइजेशन सही हो जाता है और वो थोड़ा सा एक्टिव सा लगता है। थोड़ी देर के बाद वो उन्हीं डॉग्स के साथ अपना एक गैंग बना लेता है और खेलने कूदने लगता है। दूसरी ओर मिसेज पम्फ्रे, जो बड़ी परेशान है अपने पेट की वजह से, कि शायद वो भूखा होगा बेचारा, उसने कुछ खाया नहीं होगा, ना जाने वो कैसा होगा, जैसे माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है ना, तो उसकी भूख की वजह से वो घर से उस डॉग के लिए दर्जन भर अंडे भिजवाती हैं, वाइन भिजवाती हैं, ब्रांडी भिजवाती हैं, कि बेचारा भूखा ना रहे। ये सारा माल डॉक्टर साहब अपने दोस्तों के साथ हजम कर लेते हैं और उसे सिंपल फूड और सादा पानी देकर रात भर उसे अपने पास रखते हैं। मॉर्निंग में जब मिसेज पम्फ्री डॉग से मिलती हैं, उसको लेने आती हैं,
तो वो डॉग बड़ा एक्टिव सा दिखाई देता है। उन्हें इस बात का ज़रूर सरप्राइज होता है, क्या सर्जरी तो नहीं हो गई, या हो गई तो ये फिट कैसे लग रहा है इतना। लेकिन उन्हें देख के बड़ी खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, और इस तरह वो डॉक्टर साहब को थैंक यू कह के ले जाती हैं अपने पैट ट्रिकी को। डॉक्टर साहब को इस बात का ज़रूर अफसोस रहे। रहता है कि अगर वो एक आध दिन और रुक जाता तो शायद उन्हें कुछ और अंडे, मछलियाँ, वाइन, मीट खाने को मिलता। लेकिन अफसोस अब ये उनके हाथ में नहीं था, क्योंकि उनका पेशेंट ठीक होकर अपने घर जा चुका था। सो दोस्तों, आपको एक कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है दोस्तों, एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ये चैनल आपको 9 से 12 तक के सभी बुक्स का जो आपके सिलेबस में है, चाहे वो यूपी बोर्ड की हो या सीबीएसई बोर्ड की हो, अब तो सेम बुक्स चल रही हैं सब में एनसीईआरटी की, इसके एक्सप्लेनेशन, शॉर्ट क्वेश्चन सारे मिलेंगे आपको। ओके, टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, सी यू।